अभी तो व्यू के साथ साथ आप लोग बोल रहे होंगे कि यार इसको ये जगह बड़ी पसंद है, पानी वाली हमेशा ही रहता है। हाँ यार मैं क्या करूँ, मुझे थोड़ा सा जो है ना ये जगह पसंद है। तो भाई बात ये है कि जो आपको दिखाना था ना वही दिखाना था, लास्ट टाइम किया था ये, ठीक है। इस दफ़ा जो हम करने जा रहे हैं ना वो करने जा रहे हैं ये वाला पार्किंग सेंसर, ठीक है, दिख रहा है। उसकी वजह क्या है, जो पार्किंग सेंसर यहाँ पे लगा हुआ ना ये किस लिए है ये मैं बता देता हूँ। वैसे तो होता है नॉर्मल गाड़ियों में पार्किंग सेंसर के, आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो जब आप कहीं पार्क कर रहे हो कोई चीज़ करीब आ रही है तो वो बीप करता है। इसमें पार्किंग सेंसर आगे क्यों दिए हुए उसकी वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसकी वजह ये कि इसके अंदर जो है ना आउट ऑफ पैरल पार्किंग है, बटन ऑप्शन है, ठीक है। इसके नेविगेशन के अंदर आप वो बटन दबाओ, आप अपने हिसाब से गाड़ी जो है ना एडजस्ट करके पार्क कर सकते हो। तो वो गाड़ी एडजस्ट पार्क करने के लिए जो है आगे इसके सेंसर दिए हुए, पीछे नहीं। तो ये आगे से इसको सेंस करता है और स्टीयरिंग थोड़ा सा घुमाता है, मतलब वो 100% नहीं। फिर कभी वीडियो में इंशाल्लाह टाइम मिला तो मैं दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल ये है कि इसको डाय स्टिकर करने के लिए पहले मैंने कट कर लिए इसके पेपर टाइप के, ठीक है। अब इसी के हिसाब का जो है ना वो ब्लैक कार्बन पेपर काटूंगा। तो चलते हैं घर और वहाँ पर काटते हैं इसके पेपर और आज फिर वहाँ से वीडियो कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि स्पॉट पर जा नहीं पाया, तबीयत थोड़ी ख़राब थी, वरना आप लोगों को हो सकता था कि कोबे और दिखाता। अभी के लिए फ़िलहाल भाई ये वाली सीनरी है, ये देख लो, ये इंजॉय कर लो। तो चलो भाई और करते हैं अब इसका पोस्टमार्टम, ठीक है। तो ये रहे, ये और ये रहा भाई आपका कार्बन पेपर। सबसे ख़तरनाक चीज़ है ना वो ये कटर, ये मैं लेने गया था बाहर बेसिकली ना। और बड़ी मज़े की कहानी आपको बताता हूँ, आप भी हैरान हो जाओगे। मैंने लिया डीजे ऑस्मो पॉकेट, ठीक है, मैंने कहा यार इससे जाके बाहर शूट करता हूँ। और भाई साहब बड़ी मज़े की कहानी होता हूँ, ये देख रहे हो एसडी कार्ड ही भूल गया, मतलब कि एसडी कार्ड ही नहीं है, आप गाड़ी चला रहे हो, आप व्लॉगिंग करने जा रहे हो, कसम से यार पता है क्या 30 क्रॉस कर जाओ ना ऐसा लगता है कि बुढ़ापे की तरफ हम जा रहे हैं जल्दी। खैर कंटिन्यू करूंगा तो आप लोग वेट करो थोड़ा सा, क्योंकि मेरा दिमाग जो है ना थोड़ा सा हल्का है, मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन तो हूँ नहीं, तो ये कि गलती ना हो इसलिए थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ। हाँ भाई तो हो गए फाइनली कट, ठीक है, और ये इस तरह के कट हैं, ठीक है। बड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि मुझे लग रहा था आसान होगा, क्योंकि भाई जब आपको प्रैक्टिस ना हो ना, जब हमारी आर्ट की टीचर हमें सिखाती थी तो हम सीखते नहीं थे, मतलब हम उस वक्त मैजिशियन हुआ करते थे बच्चे। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कहा था, तो बिल्कुल सही बात कही थी, अभी मुझे समझ में आती है, मतलब कि यार देखो ना अब ये एजेस वेजेस जो है ना बिल्कुल भी जो है ना साफ़ सुथरे नहीं है। खैर ये हो गए कम्प्लीट, तो चलते गाड़ी पर लगाते। सेंसर पे स्टिकर लगाने से पहले टिश्यू पे सैनिटाइजर मैंने लगा लिया, ठीक है, पहले उससे करेंगे उसको वाइप ताकि जो मिट्टी और डस्ट वगैरह है वो सब नीचे आ जाए, और फिर उसके बाद जो है उसको स्टिकर को लगाएंगे। लोगों ने अब देख लिया डाय स्टिकर मैंने लगा लिया, ठीक है ना। तो नीदर परफेक्ट नीदर बैड, मतलब बीच का था बस सही है। यही होता है यार, बस जब आप प्रोफेशनल नहीं होते ना भाई ऐसे ही कटता है। कटर भी कुछ ऐसे ही काम कर रहा था, जीपीएम से सीजर से पूरे तरीके से कट नहीं रहा था। वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और अगर आप लोग इसी तरह शेयर करते रहोगे सब्सक्राइब करते रहोगे तो इंशाल्लाह और काम करूंगा और वीडियोस डालूंगा और कंटेंट डालूंगा। मज़ा आया हो तो बिल्कुल लाइक करना और भूलना मत। इंशाल्लाह मिलते हैं नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सनराइज जापान शाइन।